नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। बात करें भारत का रक्सौल शहर और बात करें नेपाल का बीरगा शहर, इन दोनों को जोड़ने वाली एक नदी है जिसका नाम है सरिस्वा नदी। और इस सरिस्वा जो नदी है ये सीधा हिमालय के गोद से निकलती है और गंगा जी में जाकर मिलती है। मतलब ये नदी जो है नेपाल की रीढ़ है और भारत की भी रीढ़ है, और यह यू का है तो दोनों देश की नस है जिसे जोड़ने का काम करती है। और इसी नदी को जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं, लेकिन हालात ऐसी हो चुकी है कि यही सरिस्वा नदी अपने बचाव के लिए करा रही है, त्राही माम कर रही है। अगर आप उस नदी के पास जाए तो आप एक मिनट भी नहीं ठहर पाएंगे। पानी की बात करें तो काला है ही, लेकिन उसमें से निकलने वाला बदबू जो है आपको वहाँ पर से भगाने पर मजबूर कर देगा। और इसी नदी को बचाने के लिए आज बीरगंज की धरती पर आंदोलन चल रहा है जिसका नाम है सरिस्वा नदी एवं बीरगंज प्रदूषण मुक्त अभियान। और यही अभियान जो है भारत के रक्सौल शहर में भी होता है जिसका नाम है सरिस्वा नदी बचाओ अभियान। लेकिन बात करें हम बीरगंज की, तो अभी बीरगंज की धरती पर जो है आंदोलन हो रहा है, वो भी बृहद पैमाने पे, ताकि सरिस्वा नदी को बचाया जा सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे साथ एक मैम है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंभा मिश्रा, यहाँ लोसपा पार्टी से केंद्रीय सदस्य हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज नेपाल की बीरगंज धरती पे, पावन धरती घंटाघर के पास में जो है आज आंदोलन हो रहा है, आखिर क्यों? जल ही जीवन है, जल से ही सब कुछ है। जहाँ जहाँ पर मानव बस्ती है, सबसे पहले सभ्यता का विकास जो है वो नदी किनारा से हुआ था। तो जल को बचाना, मानव सभ्यता को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है। हमारा जो सरिस्वा नदी, जिसके लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, आज से 40-50 साल पहले वह नदी में यह माना जाता था कि उसमें कुष्ठ रोग जैसी बीमारी को ठीक करने का वह दवाई जैसा है, उसमें ऐसा गुण था। उसमें जड़ी बूटी मिश्रित पानी आता था, दवाई युक्त पानी आता था। आज यह हालत है कि वहाँ पर छाला का रोग जो है वह हो रहा है। तो इसका एक प्रमुख कारण है यहाँ का औद्योगिक कॉरिडोर, जो बीरगंज से लेके पतलैया तक एक हमारा औद्योगिक कॉरिडोर है। कहने के लिए तो हमारी औद्योगिक नगरी है, लेकिन उस औद्योगिक नगरी का यह अभिशाप ही है कि हमारा सरिस्वा नदी जो है, जो हमारी प्राणदायिनी नदी है, जो हमारी लाइफ लाइन है, वह चाहे प्रदूषित होकर के ऐसी स्थिति में आ गई है जहाँ पर अब नदी ही लोप होने के कगार पर है। हालांकि 12 महीने इसमें पानी रहता है, लेकिन उसके उसका जो साइज है, या जो उसमें नदी का छाई, नदी का सीमेंट उद्योग का निकला हुआ क्लिंकर, और मांसजन्य उद्योग का जो छाला, हड्डी, यह सब उसमें फेंका जाता है, तो उसके कारण इतना प्रदूषित और इतना दुर्गंधमय हो गया है कि वहाँ पर अब छठ के समय में जो हमारा यहाँ का और बिहार का और ये तराई क्षेत्र का एक प्रमुख पर्व है छठ पर्व, जो कि पानी में किया जाता है, उसके लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ता है कि यह इसमें आदमी घुसे कि ना घुसे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये वही सरिस्वा नदी है जो हिमालय के गोद से निकलती है, और ये वही सरिस्वा नदी है जिसमें सालों भर पानी रहता है, इसमें कहीं से पानी नहीं आता, यह सीधा हिमालय के गोद से पानी जो है निकलता है और गंगा में जाके मिल जाता है। और यही सरिस्वा नदी है जिसे जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। आखिर क्या कारण है, कौन व्यक्ति जिम्मेदार है जिनके जिम्मेदारी के कारण आज सरिस्वा नदी जो है त्राही माम कर रही है? जब उद्योग खोला जाता है तो इसमें एक शर्त के साथ में सरकारी कार्यालय देता है कि आपको इस शर्त के साथ में खोलना है, लेकिन जितने उद्योग खुले हुए हैं वह सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। और यहाँ का जो भी शर्त है, शर्त में यह भी चीज़ होता है कि नदी को प्रदूषित नहीं करना है, वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है, लेकिन इसके लिए वह कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं कि इसको कोई कंट्रोल किया जा सके। जैसे उसमें अनुगमन करना चाहिए, जाके ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि वह इस नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं, या ना स्थानीय सरकार कर रही है, ना कोई केंद्र सरकार कर रही है, कोई इसमें तारतम्य नहीं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। अंजना गुप्ता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरिस्वा नदी को प्रदूषण युक्त करने में सिर्फ कल कारखानों का हाथ है या यहाँ के नगर पालिका या प्रशासन का भी हाथ है?
जी, यहाँ के प्रशासन का भी हाथ है और कल कारखाना का भी हाथ है। कल कारखाना जब पानी गिरा रहा है, उसमें गंदा पानी गिरा रहा है उसको, तो उसको प्रशासन को चाहिए ना कि इस पर कार्रवाई करे, प्रशासन को चाहिए ना कि इस पर आगे कुछ मुद्दा बनाए, कुछ वहाँ के कारखाना के लोग को रोके, इस पर कुछ तो करना पड़ा ना। तो ये तो यहाँ के नगर पालिका, यहाँ के कार्यपालिका सबको चाहिए ये इस मुद्दा को चलाने। आखिर सरिस्वा नदी स्वच्छ कब हो पाएगी? ये सरिस्वा नदी स्वच्छ जब यहाँ के पूरे जनता, ये सरिस्वा पूरे बीरगंज लेकर पूरे रक्सौल के सभी जनता इस पर मुद्दा उठाएंगे, तभी ये स्वच्छ होगा और इस पर कार्रवाई किया जाएगा, तभी ये स्वच्छ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है भारत में, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दास ने नमामि गंगे का नारा लगाया और गंगा को साफ करने का अभियान शुरू किया, लेकिन वो भी असफल हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है यहाँ भी सेम वैसे ही असफल हो रही है? जी नहीं, हम लोग लगे हुए हैं, ये हम लोग का यहाँ बीरगंज का जनता और रक्सौल का इतना हम लोग आशा किए हुए हैं कि इस नदी को साफ करेंगे और इसको स्वच्छ बनाएंगे और इसमें हर एक पर्व त्यौहार और खुशी पूर्वक मनाएंगे, ये मैं एकदम प्रतिबद्ध रूप से कहती हूँ। आपने समझ लिया और देख लिया, नेपाल के बीरगंज शहर में सरिस्वा नदी को बचाने के लिए आंदोलन छिड़ चुका है। अब देखना यह है कि आंदोलन किस नतीजे पर पहुंचता है। क्या सरिस्वा नदी स्वच्छ हो पाती है? क्या सरिस्वा नदी साफ हो पाती है? क्या सरिस्वा नदी का पानी जो है अमृत हो पाता है? देखना अब है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सरिस्वा नदी को कैसे स्वच्छ बनाया जा सकता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेपाल के बीरगंज की भूमि से कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद, जय नेपाल।